नमस्कार, मैं श्रुति पांडे कानपुर किचन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पंजी रसगुल्ले। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का 1 लीटर दूध, और चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी, ये 1.5 से 2 लीटर है, और रोज एसेंस। दूध को फाड़ने के लिए, छेना बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू का रस। अब हमें सबसे पहले रसगुल्ले, स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। दूध को गर्म करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूध में ऊपर मलाई ना पड़े, जिससे छेना मुलायम बने। देखिए, अब इसमें बॉईल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको गैस से नीचे उतार देंगे। अब थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे। इसको छेना बनाने के लिए हमें इसमें नींबू का रस डालना है, लेकिन हम तुरंत नहीं डालेंगे इसकी भाप, और 5 मिनट इसको वेट करेंगे। इसको ठंडा करते समय भी हम ऐसे हिलाते रहेंगे कि हम ऊपर इसमें मलाई ना पड़े। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ऊपर दूध में मलाई नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारा 5 मिनट हो गया है। दूध को नॉर्मल टेम्परेचर भी देखिए, थोड़ी सी भाप निकल रही है, लेकिन अब हमको इसको दूध को फाड़ना है। दूध फाड़ने के लिए हमें ये, हमने 1 नींबू का रस ले रखा है। इसको हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, जितना ये नींबू का रस है उतना ही हम पानी डालेंगे। ये इस चम्मच से 1 चम्मच होगा, हम उतना ही पानी डालेंगे, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं पानी। हमने 2 चम्मच पानी 1 नींबू के रस में डाला है। अब हम दूध फाड़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसको ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। कोई जल्दी नहीं करनी है। ऐसे कर करके हमें दूध को फाड़ना है। मैंने 1 नींबू का रस और पानी मिला करके तैयार किया था, उसको मैंने पूरा डाला है, लेकिन वो छेना नहीं फटा है, दूध नहीं फटा है। ये दूध फटने का आपके दूध की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अब इसमें मैंने 1 और नींबू का रस निकाल के इसमें पानी मिला लिया है, जैसे पहले मिलाया था। अब उसको और हम डाल के हिलाएंगे जब तक दूध ना फट जाए। देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, दूध हमारा अच्छी तरह फट गया है। ये मैंने इसमें 2 नींबू के रस पानी में घोल करके मिला के डाले थे। 1 नींबू का रस डाला, उससे कम फटा, तो मैंने 1 नींबू और ले लिया, क्वांटिटी थोड़ी कम थी। और एक ये वाइट विनेगर, इससे भी हम दूध को फाड़ सकते हैं, छेना निकाल सकते हैं। हम इसके दूध, इससे एक छेना निकालने के लिए एक हमने एक कटोरा ले लिया है। इसमें एक ऐसे छन्नी लगा लेंगे, स्टेनर लगा लिया। उसके बाद इसमें एक हमने मलमल का ऐसे कपड़ा लगा लिया है। अब हम इसको इसमें छानेंगे। ये हमारा छेना बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम देखिए, ये हमारा छेना बन गया है। चीनी की क्वांटिटी हमारे दूध की क्वालिटी पे निर्भर करती है कि हमारे दूध किस क्वालिटी का है। अब ये जो पानी निकला है, इसको हम अच्छी तरह, इसको हम आटा मारने में, सब्जी बनाने में, या दोबारा दूध फाड़ने में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें जो दूध दही से नींबू से फाड़ा था मैंने, तो इसका इसमें नींबू का अंश ना रह जाए, इसके लिए हमें छेने को पानी से धोना पड़ेगा। हम 2 से 3 पानी में छेने को धोएंगे, और इससे क्या होगा, ये तो इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, इससे हमारा छेना मुलायम बनेगा। हाँ, ये मैंने 1 पानी से धो लिया है, लेकिन अभी मुझे इसे 1 पानी से और धोना। ये पानी मैं
ये जो पानी था जिसमें मैंने फाड़ा था, जो फाड़ के जो पानी निकला था उसी में डाल दिया है। फिर हम दोबारा छेने को फिर एक बार और साफ पानी से धोएंगे। इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से धोना है। अब हम इसके पानी को ऐसे निचोड़ लेंगे। हमें इसको ड्राई कर लेना है, थोड़ा सा ऐसा भी करना है कि ज़्यादा ड्राई ना हो, लेकिन इसको दबा के ऐसे पानी निकालना। ये मैंने छेने को पानी अच्छी तरह से निचोड़ करके अभी थोड़ी देर के लिए पानी निकालने के उसे। फोल्ड करके ऐसे ट्विस्ट करके उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक के इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख करके कि इसका पानी जितना हो वो सूख जाए करके रख दिया। ये जो एक्स्ट्रा पानी था निकल गया है। अब हम इसका पनीर निकाल लेंगे। छेना निकल आया है। ये हमारा दूध 1 किलो दूध में निकला है। अब हम इसको ऐसे इसकी सहायता से ऐसे ऐसे मस लेंगे। ये हमने छेने निकले हुए छेने को इस तरह से करके 5 से 7 मिनट में मल लिया है। अब ये बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। ये इतना छेना निकला था उसके लिए देखिए हम बाइंड करने के लिए एक हलवाई वाला सीक्रेट बता रहे हैं। ये आरा रोट है, इसको देखिए ना कोई बहुत ज़्यादा है ना वो कम है। ये मैं दिखाती हूँ, इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही, इतने छेने में इतना ही आरा रोट हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम इसको मल के लोई बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं। तब तक हम कढ़ाई में चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें एक कटोरी हमने चीनी डाली। ये देखिए, ये इसी जिस कटोरी से हम चीनी डालेंगे उसी कटोरी को नाप के हम 6 कटोरी पानी डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, ये हमको चीनी को घोलना है। अब इसमें बॉईल आने तक, तब तक हम इसमें ये जब तक इसमें बॉईल आता है बीच बीच में हम चीनी को ऐसे चला लेंगे जिससे नीचे जले ना। तब तक हम इसको ऐसे मल के फिर से, इसमें मैंने आरा रोट डाला है, अच्छी तरह मल के इसकी लड्डू बना लेते हैं। अच्छी तरह से हमने आरा रोट मिला करके अच्छी तरह से कर लिया है। अब इसकी टेस्टिंग के लिए कि हमारा ये अच्छा गोल गोल बने, उसके लिए पहले हमें एक ज़रा सा पेड़ा निकाल करके इसका एक लोई ऐसे निकाल करके कर लेंगे। हल्के हाथों से करना है। देखिए बिल्कुल प्लेन क्रैक फ्री ऐसे बन रहे हैं। इसका मतलब ये सही है। देखिए मैंने अपने छेने के ऐसे लड्डू बना लिए हैं। अब हम इसे इस चाशनी में डालेंगे। सबसे पहले हम चाशनी में डालने से पहले इसमें रोज एसेंस डालेंगे। ये देखिए रोज एसेंस, ये 2 स्पून डालेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। 3 मैंने डाल दिए हैं क्योंकि हमारी चाशनी ज़्यादा है। अब हम जब ऐसे पानी चाशनी बॉईल हो रही हो तभी हम ऐसे बुलबुले उठते हो तभी हमको डालना है। एक देखिए सही मैंने डाला है। आँच को तेज़ी रखना है और जब तक मतलब एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है। चार चार चल रहे, चार चार चल रहे, चार चार चल रहे, चार चार चल रहे, तुमने चला ही बना।
एक करके मैंने डाला है, एक साथ नहीं डालना है। इसके जो बबल्स चाशनी में बन रहे हैं उसको बनते रहने देना है। चाशनी का टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। एक छोटा सा भी मैंने ये डाल लिया। ये हमारा ये बॉईल हो रहा है, इसको हमको 20 से 25 मिनट तक के लिए बॉईल होने देना है। फ्लेम, गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है, ऐसे हमें ढक देंगे। हाँ, 20 से 25 मिनट में 5 मिनट के बाद हम इसको उठा करके देखेंगे। अभी हमको गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको ऐसे मुझे थोड़ा सा हिला लेना है, रसगुल्लों को नहीं छूना है, ऐसे करके। ये जैसे इसमें बबल्स बन रहे हैं ना, ये बबल्स में ही इसको पकाने हैं, इसके टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। अभी देखने के लिए कि हमारे रसगुल्ले पक गए हैं कि नहीं है, उसके लिए हम एक कटोरे में पानी लेंगे और ऐसे रसगुल्ले को उठाएंगे। अभी हमको रसगुल्ले को दबाने नहीं है, ऐसे डाल देंगे। अगर वो बैठ जाता है पानी में तो इसका मतलब रसगुल्ले पक गए हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स कि अगर हमने चाशनी पका रहे हैं, चाशनी कम पड़ जाती है तो हमें एक एक स्पून से ऐसे गर्म पानी डालना है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे रसगुल्ले बन गए हैं, अभी ये बहुत गर्म है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और 7 से 8 घंटा, जब रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाएंगे तो 7 से 8 घंटा फ्रिज में रख के फिर हम इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले हैं, देखिए कितना रस इसमें चूता दिख रहा है। फिर जब मैं इसको उसमें डालूंगी तो ये फिर अपना शेप ले लेंगे। देख लीजिए, इसने फिर अपना पूरा शेप ले लिया है। ये देखिए हमारे 3 से 4 घंटे के बाद अब ये रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं। ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं। हमारे सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे कानपुर किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, यह रेसिपी आपको कैसी लगी और इसको ट्राई ज़रूर करें।